गंगा दशहरा पर्व के अवसर पर राप्ती नदी के पश्चिमी भाग में स्थित राम घाट पर गंगा राप्ती आरती का आयोजन किया गया। इस अवसर पर श्रद्धालुओं ने मां भगवती गंगा जी का अवतरण दिवस मनाया और गंगा जी का विधिवत श्रृंगार करके मंत्रोच्चार द्वारा पूजन अर्चन किया। तत्पश्चात मां गंगा जी की आरती एवं भगवान शिव जी की भी आरती किया गया। आरती में प्रमुख रूप से मुख्य अतिथि के रूप में हिंदू युवा वाहिनी के प्रदेश महामंत्री इंजीनियर पी के मल, शिवेंद्र सिंह, अनिल सिंह, सुशील अग्रहरी एवं दुर्गेश चौरसिया एवं अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए हिंदू युवा वाहिनी के प्रदेश महामंत्री इंजीनियर पी के मल ने कहा, गोविंद तुभ्यमेव समर्पये क्रियाराम शमको भूत्वा परसीदा परमेश्वरी। ॐ कर्पूर गौरं गरुडावतारं संहारकारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे गोरखपुर के इस राप्ती तट पे रामघाट पे हम लोग हमेशा से गंगा आरती करते रहे हैं, महीनों से करते रहे हैं और हर रविवार को हम लोग यहाँ पे राप्ती आरती के माध्यम से माँ राप्ती को एक पूजा करते हुए लोक कल्याण की बात करते हैं। आज विशेष महत्व है क्योंकि आज गंगा दशहरा के दिन शुभ दिन है और आज के दिन विशेष आरती हम लोग ने अपने मुख्य संरक्षक हिंदू वाहिनी के परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज के अच्छे स्वास्थ्य के लिए, उनके दीर्घायु होने के लिए और साथ में उत्तर प्रदेश की खुशहाली, देश की खुशहाली के लिए हम लोगों ने किया है और हर व्यक्ति सुखी हो, संपन्न हो, स्वस्थ हो, रोग मुक्त हो, इसलिए माँ गंगा से हम लोगों ने प्रार्थना करते हुए राप्ती तट पर आरती की है।